कि जो भारत में आए हैं उनको नागरिकता, जो अल्पसंख्यक जिसमें हिंदू हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत आए हैं उनको नागरिकता मिलनी चाहिए। और वाकई जिस बात का जिक्र आप कर रही थी कि लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार का ये एक मास्टर स्ट्रोक है, तो वाकई एक मास्टर स्ट्रोक है और इसको इस तरीके से भी समझना होगा कि सरकार जब अनूप जी इस जो जिस बात का आप यहाँ पर तो आज बड़ा ऐलान किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी ही देर में बड़ी घोषणा करने वाले हैं, ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आई है। लेकिन आधे घंटे में ये बड़ा ऐलान क्या होगा, क्योंकि सबसे पहला जो कयास लगाया जा रहा है वो CAA को लेकर ही लगाया जा रहा है। हालांकि इसको लेकर सिर्फ कयास इस वक्त लगाए जा रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति रही है कि वो कुछ भी फैसले लेने से पहले इसके बारे में पूरी डिटेलिंग नहीं दी जाती है। लेकिन हाँ, क्योंकि आज CAA को लेकर ऐलान कर सकती है सरकार, ये खबरें लगातार चल रही थी, जिसका नोटिफिकेशन जो है वो कभी भी जारी कर दिया जाएगा। और सबसे प्रमुख बात जो अभी आपको मैं बता रहा था कि जब ये सरकार बनी थी तब सबसे पहला डिसीजन हुआ था 370 खत्म करने का, और इससे बेहतर क्या होगा जब ये सरकार नोटिफिकेशन से पहले अगर CAA लागू हो जाता है, जो घोषणा पत्र में BJP शामिल करती है अगर उन सभी चीज़ों को पूरा कर लेती है तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। और यही वजह है कि कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने से पहले पहले इनके जो भी एजेंडे हैं, जो इन्होंने वायदे किए जनता से, जो जो चीज़ें इन्होंने रखी, वो सभी चीज़ों को सरकार जो है वो पूरा कर लेना चाहती है। फिर भी अभी इंतज़ार करना होगा। देखिए, CAA का नोटिफिकेशन जारी होगा, अब यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन बड़ा फैसला लेते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अनूप, सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से तो देखिए कुछ ही समय बाद नोटिफिकेशन इसको लेकर जारी हो जाएगा, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। दरअसल CAA जिसको लेकर लगातार लंबे समय से मांग की जा रही थी इसको लागू करने को लेकर, और क्योंकि ये अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का एक तरीका है, और CAA के तहत हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, ये जो अल्पसंख्यक हैं 6 धार्मिक, इनको नागरिकता दी जाएगी। लंबे समय से भारत में शरण लेने वालों को इससे बड़ी राहत जो है वो मिलेगी। और CAA का विरोध सबसे ज्यादा मुसलमान कर रहे हैं, क्योंकि इस कानून में इन 3 देशों तो से आए वो चौंकाने वाले और जनता के हित में वो फैसला होता है। तो ऐसे में अभी इंतजार करना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस बात को लेकर वो जनता के सामने आते हैं, किस बात का की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की जाती है। लेकिन इस बीच जिस तरह से खबर CAA को लेकर आई थी उससे कहीं ना कहीं हम रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी CAA को लेकर के कहें, क्योंकि देखिए जो केंद्र सरकार के जो जितने एजेंडे थे जिस पर लगातार केंद्र सरकार काम कर रही थी उसमें CAA एक ऐसा मुद्दा था जो अभी बच गया था। और ये कह सकते हैं कि नोटिफिकेशन से पहले, कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले अगर ये भी पूरा हो जाता तो कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से सारे फैसले एक तरह से कह सकते हैं कि ले लिए गए। तो अब फिर भी इंतज़ार करना होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी कोई घोषणा करते हैं तो वाकई वो चौंकाने वाली घोषणा होती है। तो इंतज़ार करते हैं, हम सभी लोग इंतज़ार है, सबकी निगाहें होंगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या देश के सामने लाते हैं। जी तो देखिए सभी की नजरें हैं कि वो क्या बड़े फैसले हैं जो आज प्रधानमंत्री की ओर से लिए जाएंगे। नरेंद्र मोदी लगातार ये कह चुके हैं कि इस बार BJP 370 का आंकड़ा पार करना चाहती है, 370 से ज्यादा सीटें जीतना चाहती है, और जो NDA घटक दल है वो 400 सीटें पार करना चाहती है। इसका अर्थ आप समझिए, इसका अर्थ ये है कि कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो एक रो में सीमित हो जाएगा। एक 2/3 मेजॉरिटी से ज़्यादा मेजॉरिटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस लोकसभा चुनाव में वो चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जिन जिन बातों को लेकर वो 2019 और 2014 में सरकार में जब वो आए थे, अगर वो सारी बातें अगर पूरा हो जाती है तो एक बड़ी उपलब्धि है और एक बड़ा कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से एक मास्टर स्ट्रोक होगा कि सरकार ने जो वायदे किए जनता के सामने, वो जिन बातों को लेकर गए वो सभी की सभी बातों को उन्होंने पूरा किया।
तो अभी जिस तरह से हम जिक्र कर रहे थे कि संभावना है कि 15 तारीख से लेकर 17-18 तारीख तक कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा, लोकसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा कर दी जाएगी, तो वाकई अभी जो 5 से 7 दिनों का वक्त बचा है उसमें ही सरकार के पास समय है जब वो नीतिगत फैसला ले सकती है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि सरकार इस ये जो समय है, जो 5 से 7 दिनों का जो समय है, इसमें बड़े बड़े फैसले ले सकती है जो जनता के हित में हो, और जाहिर सी बात है इसका तो थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ा ऐलान करने वाले हैं। अब इंतजार है, निगाहें हैं, क्योंकि अब समय करीब आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एक बड़ा संबोधन इस दौरान करेंगे और सबसे पहला कयास है कि CAA को लेकर बड़ी घोषणा जो है वो की जाएगी। और क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि CAA को लेकर हमने विरोध भी देखा था, और अब जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि आज जो है भारत में समानता की संवैधानिक गारंटी का उल्लंघन करता है, ये मुस्लिमों की तरफ से पहले कहा गया था, इसका आरोप भी लगाया गया था। लेकिन सरकार का ये मानना है कि CAA केवल जो है मुस्लिम बहुल देशों के सताए हुए अल्पसंख्यकों के लिए नागरिकता प्रदान करता है, और जहां धार्मिक उत्पीड़न की संभावना अधिक है, भारत के मुस्लिमों या किसी भी धर्म और समुदाय के लोगों की नागरिकता को इस कानून से कोई खतरा नहीं है। और सरकार का ये कहना है कि इन देशों में हिंदुओं से भेदभाव होता है, ना कि मुस्लिमों से, इसलिए इसमें मुस्लिमों को बाहर रखा गया है। तो आपको जानकारी दे दें कि भारतीय संसद में CAA को साल 2019 में 11 दिसंबर को पारित किया गया था, जिसमें 125 वोट इसके पक्ष में पड़े थे, 105 वोट इसके खिलाफ थे, और राष्ट्रपति ने इस विधेयक को 12 दिसंबर को मंजूरी दे दी थी। आपको बता दें पूर्वोत्तर के कुछ संगठनों का मानना है कि इस कानून से बिना दस्तावेज वाले हिंदू प्रवासियों को नागरिकता मिलेगी, जिससे उनकी जनसंख्या की बदल सकती है और संभावित रूप से उनके राजनीतिक अधिकारों, संस्कृति और भूमि अधिकारों पर असर पड़ सकता है। लेकिन फिलहाल अब देखना होगा कि आज, क्योंकि इसको लेकर ऑनलाइन पोर्टल भी जो है वो भी जारी किया जाएगा। CAA के तहत नागरिकता पाने का आवेदन ऑनलाइन ही होगा, और इसे लेकर एक ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार किया गया है। आवेदकों को नागरिकता पाने के लिए अपना वो साल बताना होगा जब वो भारत में आए थे, और आवेदक से किसी तरह का कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। नागरिकता से जुड़े जितने भी मामले लंबित हैं उन सबको ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आवेदन करने के बाद गृह मंत्रालय आवेदन की जाँच करेगा और आवेदक को नागरिकता दी जाएगी। तो ये एक बड़ा फैसला है, और चुनाव से पहले इसको लागू करना अपने आप में एक बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि संसदीय प्रक्रियाओं की नियमावली के मुताबिक किसी भी कानून के नियम राष्ट्रपति की सहमति के 6 महीने के भीतर तैयार किए जाने चाहिए। ऐसा न होने पर लोकसभा और राज्यसभा में अधीन संविधान समितियों के सुविस्तार की मांग की जानी चाहिए। CAA के केस में 2020 से गृह मंत्रालय नियम बनाने के लिए संसदीय समिति से नियमित अंतराल में एक्सटेंशन लेता रहा है। आपको बता दें कि पिछले 2 साल में 9 राज्यों के 30 से अधिक जिला मजिस्ट्रेट और गृह सचिवों को नागरिकता अधिनियम सहयोगी हेमंत न्यूज रूम से इस वक्त मेरे साथ है, उनसे अधिक जानकारी लेते हैं। हेमंत, देखिए अपने आप में बड़ा फैसला लोकसभा चुनाव से पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। आधे घंटे का समय बताया गया था, लेकिन अब कुछ ही समय बचा हुआ है पीएम के संबोधन में। बिल्कुल ममता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में देश को संबोधित करेंगे, और ये तो हालांकि तभी खुलासा हो पाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किन किन बातों का जिक्र करते हैं। लेकिन अभी जो खबरें आ रही हैं न्यूज़ रूम में लगातार, वो इस बात को लेकर के कि केंद्र सरकार गृह मंत्रालय की ओर से CAA कानून को लेकर के अधिसूचना जारी कर सकती है। करीब 5 साल का वक्त बीत गया है जब मोदी सरकार ने CAA को संसद में पारित किया था, और उसके बाद में बाकायदा एक पोर्टल बना दिया गया है, पूरी तैयारी है गृह मंत्रालय की ओर से। और अभी तक जो सूचनाएं मिल रही हैं उनके मुताबिक लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले केंद्र सरकार कानून को लागू कर सकती है। खासतौर पर ये जो CAA कानून है, वो जो 3 मुस्लिम बाहुल्य देश हैं उसमें धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता देने को लेकर के है, जिसे लेकर के लगातार देश में बहस और चर्चाओं का दौर जारी रहा, लेकिन उन चर्चाओं का पटाक्षेप अब खत्म होने जा रहा है। हालांकि इससे पहले खुद गृह मंत्री अमित शाह कई बार इस बात को लेकर के ऐलान कर चुके हैं कि जो मोदी सरकार ने कहा है वो किया जाएगा, करके दिखाएंगे, और मोदी की गारंटी है, जो हमने वादा किया वो हर वादा पूरा करेंगे देशवासियों के साथ। तो ये स्पष्ट है
कि जो गृह मंत्रालय है वो सीए कानून को लेकर के अधिसूचना आज जारी कर सकता है। अगर यही इसी को लेकर अधिसूचना जारी होगी हेमंत, क्योंकि अभी कोई कंफर्मेशन भी सामने नहीं आ पाया है, लेकिन हाँ माना यह जा रहा है कि सीए को लेकर अधिसूचना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जारी की जाएगी, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले ये एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक हो सकता है सरकार का। बिल्कुल ममता, और इससे लेकर के पहले गृह मंत्री कई बार स्पष्ट कर चुके हैं कि सीए कानून हर हाल में केंद्र सरकार लागू करेगी। गृह मंत्रालय की ओर से अभी जो सूत्रों से पुख्ता जानकारी सामने आ रही है, जिस तरह की खबरें न्यूज रूम तक पहुंच रही है, उससे ये साफ है कि आज शाम तक गृह मंत्रालय की ओर से सीए कानून को लेकर के अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। ये कानून देश में लागू हो जाएगा, और ये ऐसा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अब ज्यादा वक्त नहीं है लोकसभा चुनाव को लेकर के तारीखों का ऐलान होने में, और कोशिश केंद्र सरकार की, मोदी सरकार की और गृह मंत्रालय की यही है कि तारीखों के ऐलान से पहले इस कानून की अधिसूचना जारी हो जाए, इसे लागू किया जाएगा। ये स्पष्टता खुद गृह मंत्री अमित शाह के बयानों में आ चुकी है, लेकिन ये दिगर बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब देश को संबोधित करेंगे कुछ ही देर में, उस पर पूरे देश की निगाहें तो है ही है। न्यूज 18 राजस्थान भी पल पल की अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाएगा। यह अलग बात है कि प्रधानमंत्री आज किन मुद्दों का जिक्र करते हैं, क्या कुछ प्रधानमंत्री कहेंगे, इस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है ममता। लेकिन यह साफ है कि जो गृह मंत्रालय है वो पूरी तैयारी कर चुका है सीए को देश में लागू करने को लेकर के। गृह मंत्री खुद स्पष्टता के साथ ये कई बार कह चुके हैं कि हर हाल में सीए कानून जो है वो देश में लागू होकर के रहेगा। देश की संसद इसे पास कर चुकी है, और अब गृह मंत्रालय की ओर से सिर्फ अधिसूचना जारी करने का इंतजार है ममता। बिल्कुल, और तैयारियां पहले से ही हेमंत इसमें कर ली गई है। बताया ये भी जा रहा है कि बकायदा इसको लेकर पोर्टल भी जारी किया गया है, ताकि ऑनलाइन माध्यम से जो है जिन लोगों को नागरिकता चाहिए वो अप्लाई कर सके, और इसमें जो पूरी तरीके से पारदर्शी तरीके से इसको बनाया गया है, ताकि किसी भी तरीके से कोई इसमें सवाल ना उठा सके। बिल्कुल ममता, देखिए ये जो कानून है वो शुरुआत से ही देश में बहस का, चर्चा का विषय बना रहा है। 1955 का कानून जिसमें संशोधन किया गया 2019 में, तो करीब 5 साल का वक्त गुजर गया है जब देश की संसद ने सीएए को पारित कर दिया था, और अब अधिसूचना का, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं, उसका इंतजार है। लेकिन कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब देश को संबोधित करेंगे, ये सिर्फ प्रधानमंत्री जानते हैं कि वे किन मुद्दों को लेकर के आज देश के सामने अपनी बात रखेंगे, या कौन सा महत्वपूर्ण मुद्दा इस देश के सामने आज प्रधानमंत्री रखने वाले हैं। लेकिन कयास और चर्चाएं लगातार पुख्ता हैं, और सूत्रों के हवाले से जो जानकारी आ रही है सीएए को लेकर के भी, और केंद्र सरकार बड़ा ऐलान आज करने जा रही है, वो बड़ा ऐलान क्या होगा चंद समय उसमें बाकी है। प्रधानमंत्री जब आएंगे देश के सामने संबोधित करेंगे, लेकिन यह साफ है कि जो मोदी सरकार ने वादे किए थे वो उन वादों को एक एक करके पूरा किया जा रहा है। यह साफ है कि गृहमंत्री अमित शाह की स्पष्टता के बाद, उनके बयानों के बाद यह माना जा रहा है। हेमंत, मैं लौटती हूं आपके पास, अनूप गुप्ता न्यूज रूम से इस वक्त कुछ जानकारी दे रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। लेकिन उनको नागरिकता से महरूम रखा गया। बीजेपी लगातार इस बात को कहती है कि इनको बहुत पहले से नागरिकता दे देनी चाहिए, लेकिन उनको नागरिकता नहीं मिली। अगर केंद्र सरकार, बीजेपी की सरकार उनको अगर नागरिकता दे रही है, तो फिर किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियां, जाहिर सी बात है, कोई फैसले होते हैं तो पक्ष और विपक्ष दोनों के विचार इस मुद्दे पर होते हैं, तो जाहिर सी बात है कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, ये पार्टियां जरूर अगर नोटिफिकेशन जारी होते हैं तो उनका विरोध करेगी, और वो जरूर कोशिश करेगी कि इसका विरोध का जो है फायदा उठाया जाए। लेकिन सीए लगातार केंद्र सरकार के एजेंडे में रही, उसकी पूरी प्रक्रिया केंद्र सरकार ने पालन की, और उसके बाद जब ये पूरा पुख्ता हो गया तब इसको लागू करने की दिशा में अब सरकार कदम बढ़ाने जा रही है। तो ये कह सकते हैं कि बड़ा फैसला है। देखिए, इसको इस बात से भी जोड़ना चाहता हूँ कि महिला आरक्षण को लेकर के तमाम राजनीतिक पार्टियाँ बहुत पहले से कहती आ रही थी, लेकिन इस सरकार ने महिला आरक्षण को लागू किया, उसको संसद से पास करा लिया। अभी प्रक्रिया जारी है, लेकिन उसको पास कराया नहीं, कह सकते कि एक पहल को पूरा किया। तो जाहिर सी बात है कि जिन जिन एजेंडे को लेकर ये सरकार केंद्र की सत्ता में आई है, इन सभी एजेंडे को वो पूरा करना।
देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बस अब कुछ ही समय बचा हुआ है जब बड़ा ऐलान कर देंगे और जनता के सामने वो होंगे। बड़ा संबोधन प्रधानमंत्री की ओर से किया जाएगा जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं जिसका असर जनता पर सीधे पड़ेगा। और बताया जा रहा है कि CAA को लेकर जो है अधिसूचना आज जारी कर दी जाएगी। इसको लेकर पूरी तैयारियां की गई है, 5 साल का समय लगा है सरकार को और सरकार ने इसको लेकर पूरी तैयारियां भी की हुई है। और ऐसे में अब बस कुछ ही समय और बचा हुआ है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको लेकर बड़ा ऐलान कर देंगे और यह सामने आ जाएगा कि क्या ये CAA को लेकर जो अधिसूचना है रही है। लेकिन एक बात, एक सवाल जरूर यहां पे उठता है कि आपको याद होगा कि जब 2019 में केंद्र की सत्ता में बीजेपी फिर से काबिज हुई थी तो उन्होंने पहला फैसला जो है वो धारा 370 खत्म करने का किया था। देखिए बहुत बड़ा फैसला था, बहुत बड़ा एजेंडा था। अगर हम इसको चुनाव से जोड़कर देखें तो 2019 से पहले फैसला नहीं लिया गया अगर चाहती तो देखिए तमाम चीज़ें एक प्रक्रिया के माध्यम से सारी चीज़ें की जाती है। और जिस बात का हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि इससे बेहतर क्या होगा जब इस सरकार की शुरुआत में 370 खत्म करने का फैसला केंद्र सरकार लेती है और जब नोटिफिकेशन जारी होगा उससे ठीक पहले CAA लागू करने का फैसला लेती है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि मास्टर स्ट्रोक होगा। और सरकार इस बात को जानती है कि आने वाले दिनों में जो लोकसभा चुनाव होंगे उसमें क्या बीजेपी को फायदा होता है इससे, या विपक्षी पार्टियों को क्या नुकसान झेलना पड़ सकता है, या फिर जो पश्चिम बंगाल की सरकार है या तृणमूल कांग्रेस है उसको क्या नफा नुकसान हो सकता है। ये सभी बातों का आकलन जाहिर सी बात है कि केंद्र सरकार की तरफ से की गई होगी, बीजेपी की तरफ से की गई होगी। जी तो देखिए आवेदन कैसा होगा उसको लेकर भी हम आपको ग्राफिक के जरिए पूरी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से पहले गृह मंत्रालय इसको लेकर जांच करेगा, क्योंकि ऑनलाइन पोर्टल जारी किया गया है जिसमें डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं और डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन के बाद छटनी की जाएगी और बताया जाएगा कि आप किस सर में आए हैं, सारी डिटेलिंग आपसे ली जाएगी। हालांकि कोई दस्तावेज इसमें देने की जरूरत नहीं होगी ये सरकार की तरफ से कहा गया है, लेकिन उसके बाद गृह मंत्रालय इसमें जांच करेगा और पता चलेगा कि आपकी नागरिकता को लेकर क्या कंफर्मेशन है, तब जाकर आपको भारत की नागरिकता दी जाएगी। तो ये पूरा रोडमैप जो है वो तैयार किया गया है, इस रोडमैप को तैयार करने में पूरा 5 साल का वक्त लगा है और इन 5 सालों में ये तैयारी की गई है कि किस तरीके से इसे अमलीजामा पहनाया जाएगा। और अब बस कुछ ही देर और बचे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बड़ा ऐलान जो है वो कर दिया जाएगा, पीएम मोदी इसको लेकर बड़ी घोषणा जो है वो कर देंगे। तो फिलहाल कौन आवेदन करेगा इसको लेकर भी हम ग्राफिक्स के माध्यम से आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं, कैसे ये आवेदन होगा इसको लेकर भी लगातार जानकारी दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसकी अधिसूचना जारी कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को ये भरोसा दिलाने जा रही हैं कि इस CAA को लागू होने के बाद इसके क्या पॉजिटिव साइड रहेंगे, क्योंकि ऐसा बहुत देखने को मिला था जब ये संसद में बिल लेकर आए थे। इस वक्त इसका विरोध भी काफी ज्यादा देखने को मिला था, खासकर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इसका विरोध किया था क्योंकि उन लोगों को इसके दायरे में नहीं रखा गया है। ऐसे में उस समाज ने इसका विरोध किया था, इसको लेकर तरह तरह की भ्रांतियां फैली थी, यहां तक कि हमने देखा था कई ऐसी घटनाएं निकलकर सामने आई थी, इसको लेकर प्रदर्शन हुए थे, आगजनी की घटनाएं हुई थी, काफी नुकसान भी हुआ था जब ये बिल जो है पेश किया गया था संसद में। हालांकि वहां पर यह पारित हो गया, इसे कानून बना दिया गया, 5 साल का समय लगा इसको तैयारी में और पहले ही जब सरकार की तरफ से कह दिया गया था कि लोकसभा चुनाव की तारीखों से पहले हम इसको लागू कर देंगे ताकि जो समुदाय हैं उन्हें नागरिकता मिल सके। और ऐसे में आज जो सरकार ने अपनी बात कही थी, सरकार उसी बात को यहां पर पूरा करती हुई नजर आ रही है। और अब जब सरकार आज इसको लेकर अधिसूचना जारी करेगी तो प्रधानमंत्री के चेहरे को रखा गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को एक मैसेज जरूर यहां पर देंगे कि CAA के लागू होने से कितना बड़ा फायदा उन लोगों को होगा जो भारत की नागरिकता चाहते हैं। तो फिलहाल ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, लेकिन अभी ये सिर्फ कयास है कि CAA को लेकर चर्चा होगी, लेकिन बड़ी खबर क्या होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या बड़ा ऐलान कर सकते हैं, अभी इस पर संशय लगातार बरकरार है क्योंकि बड़ी घोषणा करने वाले हैं ये लगातार चर्चाएं सामने आ रही हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अक्सर हमने देखा है कि
बड़े चौंकाने वाले फैसले भी लेती है और बड़े चौंकाने वाले ऐलान भी प्रधानमंत्री की ओर से किए जाते हैं। ऐसे में थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ा ऐलान कर सकते हैं, लेकिन अभी ये बड़ा ऐलान क्या होगा, किन बड़ी बातों का जिक्र पीएम की ओर से किया जाएगा और जनता को जब पीएम संबोधित करेंगे तो किन किन बातों का जिक्र करेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव जब सर पर है इसको लेकर जल्द ही तारीखों का ऐलान हो सकता है, आचार संहिता लागू हो सकती है। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा ऐलान करना चर्चा का विषय जरूर है कि इस बड़े ऐलान में आखिर पीएम किन किन बातों का जिक्र कर सकते हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो प्रधानमंत्री की ओर से रखी जाएंगी और जो मैसेज वो जनता को देने जा रही हैं वो क्या रहेगा जिसका जनता पर सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव की तारीखों का बस कुछ ही समय बाद ऐलान होना बाकी है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लिस्ट भी जारी कर दी गई है, आज एक बड़ी बैठक भी इलेक्शन कमीशन की सीसी की बैठक जो है आज रहने वाली है। ऐसे में उससे पहले क्या बड़ा ऐलान होगा इस पर सभी की नजरें हैं।